कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ड्राई राशन वितरण व राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को दुकान आवंटन एवं राशन वितरण प्रक्रिया को जल्द से जल्द सम्पन्न कराई जाए। ड्राई राशन के वितरण हेतु स्वयं सहायता समूह की मैपिंग वितरण की समीक्षा की जाए। इस दौरान TPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और तीन वर्कसाइट था, उसमें एक पंचायत घर भी था, लेकिन वहां भी कोई काम करता हुआ नहीं मिला। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत बताना चाहूंगा कि रोज सुबह 10 बजे 10:30 बजे जब मुख्यमंत्री जी की बैठक होती है तो मैं उनको ये एक सूचना देता हूं कि आज, लेकिन अगर हमारे बताने का और मौके पे वाकई मजदूरों के मिलने का यही रेशियो है तो फिर ये बिल्कुल फर्जी फिगर है। मास्टर रोल निकाला हुआ है और वो आदमी काम पे नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि अगर आपने 50 का मास्टर रोल निकाला है तो 4-5 लोग 10 लोग एबसेंट होंगे एक दिन के लिए, 23-24 का एवरेज है, यानी हमने उसको 5,000 रुपए की मजदूरी दी है, जबकि हम 50,000 हर जिले में या 50% ऑफ टोटल वर्कफोर्स जो भी कम हो उतने लोगों को 1 करोड़ 1 लाख लोग इसके तहत अब तक काम कर चुके हैं।